नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को लेकर, और साथ ही साथ बिहार सरकार ने इसमें क्या कुछ नया बदलाव किया है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। बिहार के अंचल कार्यालयों में जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए हो रही भीड़ और फिर लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब ऑनलाइन व्यवस्था करने का तो मन बना लिया है, दूसरा उस ओर काम करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में अब लोग अपने घर बैठे ही जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गया है। बता दें कि इस साल करीब 21,44,000 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 65% लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया है। बता दें कि सरकार के बीच में RTPS केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ भी भीड़ बढ़ गई। इसके बाद सरकार ने अब फैसला किया है कि इसे लोग अपने घर से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। अब सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि प्रमाण पत्र बन जाने के बाद उसे डाउनलोड करने की भी सुविधा सरकार की तरफ से दी जाए। बता दें कि पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने इस पूरे मसले को लेकर पिछले दिनों एक बैठक की थी। अगर राजधानी पटना की बात करें तो जनवरी 2021 से 25 दिसंबर 2021 के बीच में राजधानी पटना जिले में सभी अंचल कार्यालय में जाति, आय और आवास के करीब 21,44,466 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 21,11,902 आवेदन को स्वीकार किया गया था। प्रदेश में इन प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगना पड़ता है, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसके बाद से यह माना जा रहा है कि लाइन लगने वाली समस्या लगभग दूर हो जाएगी। इधर कुछ युवाओं का कहना है कि सर्वर डाउन रहने के कारण ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होती है। ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए यह भी बताया गया कि आवेदन भरने के लिए आप सर्विस ऐप का इस्तेमाल अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। जब आप इस सर्विस ऐप को खोलेंगे तो बाईं तरफ आय, जाति और आवास प्रमाण पत्र का कॉलम दिया होगा। आप जो भी बनवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उस विषय की विस्तृत जानकारी साझा करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, और जिस पर प्रमाण पत्र बनने के एक क्लिक के बाद आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना प्रमाण पत्र घर बैठे ही बनवा सकते हैं। एक प्रमाण पत्र को बनवाने में आपको 1 सप्ताह से 15 दिन का समय लग सकता है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन प्रमाण पत्र की सुविधा सबसे ज़्यादा कोरोना काल में ही कारगर साबित होगी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के बाद से लोगों की भीड़ अब अंचल कार्यालय में नहीं लगेगी, साथ ही लोगों की परेशानी भी कम होगी। इन सबसे ज़्यादा प्रमाण पत्रों के लिए लोगों को अलग से रकम भी देनी पड़ती थी। ऐसे में जब यह ऑनलाइन हो जाएगा तो बिचौलियों से भी बचा जा सकता है, प्रमाण पत्र बनवाना आसान हो जाएगा। हालांकि यह ग्रामीण इलाकों में कितना कारगर होगा यह तो देखने वाली बात होगी। अंचल कार्यालय में ग्रामीण की भी भीड़ सबसे ज़्यादा लगती है, ऐसे में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाना ग्रामीणों के लिए जो है थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में यह भी साफ हो जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में यह कैसे और किस तरह की सुविधाएँ काम कर रही है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।